जो है वो नेताओं के बलबूते पे अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकते। हर राजनीतिक दल की ताकत जो कार्यकर्ता होता है। हमारी पार्टी जो है उसमें जो कार्यकर्ता हमारे साथ था उसकी वजह से हमेशा पार्टी जो है या सत्ता में रही या फिर मेन विपक्ष की भूमिका में रही। अब की बार कुछ हमारे साथियों को बरगड़ा लिया गया, कुछ एक को लोभ लालच, कुछ एक को ये मान के चलो कि बहका भी लिया गया। बीजेपी ने एक बड़ी गेम खेली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करके फिर से सत्ता हासिल करने के लिए। कुछ जो बड़े स्वार्थी थे जिन्हें बहुत भूख थी सत्ता की, उन्हें पैसे से खरीदने का काम किया। मुझे एक बार आप जैसे साथी ने पूछा था कि सरकार का भविष्य क्या है, मैंने कहा था खरीददार बड़ा है और बिकने वाला माल जो है उसकी संख्या भी ज्यादा है। तो मान के चलो जब तक उनकी जेब में ताकत तब तक हरियाणा में ये लोग सत्ता में रह सकते हैं। लेकिन आम जनमानस जो है वो आने वाले समय में सरकार से खपा होगा। आज पूरे प्रदेश के हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आज लोगों को फिर 2000 से 2005 का समय याद आने लगा कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे उस वक़्त में किसान का एक एक दाना उसके घर से, खेत से, मंडी से खरीदा जाता था। उस वक़्त अंडर साइज कह करके या किसी को रंग बिरंगा कह करके मंडी में बेचने पे मजबूर नहीं किया जाता। उस वक़्त भी गेहूँ थ्रेशर से निकलती थी, दाने कटते थे, लेकिन कटा हुआ दाना भी झारवे से नहीं निकलता था, वो भी खरीदा जाता था। अब तो किसान की हालत ऐसी कर दी कि किसान अपनी फसल अगर 50 क्विंटल लेकर के जाता है तो 25 क्विंटल वापस घर लेकर के जाने पर मजबूर हो जाता है। उस 25 क्विंटल का उसको भाव नहीं मिलता, उस 25 क्विंटल को दलाल किस्म के लोग बाहर निकलते दफा उससे कहते हैं कितने पैसे लेने हैं तो इसको यहीं डाल दें, हम अपने आप इसको दे दें। आप कह रहे हो कि बड़ौदा के उपचुनाव में क्या होगा, चुनाव की तारीख तय हो। भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा में अपनी जमानत नहीं बचा सकती, दोनों मिलकर के जब लड़ेंगे चुनाव तो भी जमानत नहीं बचेगी। चुनावी लड़ाई जो है वो कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच में रहेगी। हमें अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, कांग्रेस के लोग तो 100% आराम परस्त हैं। इस लॉकडाउन में कहीं कोई कांग्रेसी आपको नजर आया? आज भी नहीं है। हमारा कार्यकर्ता जो है लोगों में एक बड़ा विश्वास खड़ा करेगा। हमने अभी से जिम्मेवारियां लगाई हैं, आने वाला कल 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। हम पूरी अपनी टीम पे ये भरोसा करते हैं कि वो मेहनत के साथ जहाँ जिसके जिस बूथ पे ड्यूटी लगाएंगे उस बूथ को जीतेगा। जब बूथ जीतेगा तो 100% चुनाव भी हमारे पक्ष में है। चुनाव पक्ष में आने के बाद फिर ये सरकार नहीं चल सके, फिर इस सरकार को जाना पड़ेगा। जुगाड़ कभी आपने 5 साल चलते देखा है? नया जुगाड़ जब बनाते हैं भाई उसको गांव के सारे लोग, शहर के लोग, कस्बे के लोग देखने जाते हैं कि पुराने आदमी ने एक जुगाड़ बनाया है और बड़ा खूबसूरत है। ये सरकार भी वही जुगाड़ है, ये सड़क पे आके चलेगा तो देखना इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दादा गौतम की प्रतिक्रिया बीच बीच में आती रहती थी, उसको लेकर क्या कहना? मैं ना तो दादा गौतम को जानता ना उसके पोतों को जानता। वो एक दूसरे पे जो प्रतिक्रिया देते हैं ना मैं वो देखता, जब लोगों ने देखना बंद कर दिया तो मुझे क्या जरूरत। गेहूं सीजन में जी किसानों की समस्याओं को देखते हुए आपने कहा कि मंडियों का दौरा करेंगे,
तो भाजपा ने सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना बनाकर कह दिया कि कोई भी नेता मंडी में नहीं जाता। बहाना बनाया, लेकिन मैंने मजबूर तो किया सरकार को किसान की गेहूँ खरीदने के लिए। अगर मैं मजबूर ना करता तो अब तक किसान की गेहूँ घर में पड़ी होती। अब तक गेहूँ का भुगतान, गेहूँ का किसानों को पैसा नहीं मिला थी। 10% खुद भाजपा के नेता मान रहे 10% बकाया है उसका और भुगतान कर ब्याज खा रहे हैं उसका। विधानसभा का सत्र आएगा जब पूछूंगा।